क्या हिंदू आदिवासी है? सर मैं जंगली जरूर हो सकता हूँ लेकिन वनवासी नहीं हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वनवास में गए थे, वो वनवासी थे लेकिन सबरी माता वो आदिवासी थी। कुछ दिनों पहले कुछ मित्र आए थे मेरे पास, ये बोले थे कि जो इस्लाम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्शन करेंगे उनको रिजर्वेशन हटा दो, लेकिन आदिवासी अगर हिंदू है तो रिजर्वेशन कंटिन्यू करो। सर मेरा सवाल एक ही है, क्या हिंदू आदिवासी है? हिंदू पहले आए कि आदिवासी पहले आए? आदिवासी का मतलब है हम पहले निवासी हैं। अब आदिवासी धीरे धीरे करके ये क्या कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं हम वनवासी हैं। सर मैं जंगली जरूर हो सकता हूं लेकिन वनवासी नहीं हूं। अगर देखोगे, अगर आपको समझ में नहीं आता वनवासी और आदिवासी में क्या फर्क है, मैं बताता हूं आपको। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वनवास में गए थे, वो वनवासी थे लेकिन सबरी माता वो आदिवासी थी। ये आप समझ लीजिए, हम इस देश के मूल वासी हैं, खाली वनवासी बोल के आप हमें अलग नहीं कर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज है सर। आदिवासी ठीक है, हम आदिवासी बनने के बाद क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, बट ये सरकार अभी क्या कर रही है इसका मैं खुलासा आपको सामने देने चाहता हूं। ग्राम सभा की बात किए, पेशा की बात किए, भारतमाला प्रोजेक्ट गुजरात में 25 ग्राम सभा ने रिजेक्ट किया, पारित कर लिए। वो लोग कर रहे हैं चिंद्रे अहमदाबाद सूरत जो रोड बन रहा है वो सूरत के ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जी, आदिवासी लोग दूसरे जगह में वहां से घुमा के लेके आओ। डिस्प्लेसमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम, 50 मिलियन पीपल आर डिस्प्लेस। केवाड़िया मैं गया था सरदार पटेल जी का स्टैचू देखने के लिए, बहुत अच्छा लगा। बोले आदिवासी को ये हो जाएगा वो, पता है क्या कर रहे हैं सर, बेडशीट चेंज कर रहे हैं, अपनी जगह दे दिए, हजारों हजारों एकड़ दे रहे। 5,000 करोड़ का भारतमाला प्रोजेक्ट Schedule 5 एरिया, मेरे एरिया कोरापुट से जाता है। आप पूछिए एक भी आदिवासी को वहां पे नौकरी मिला है, ठेकेदारी काम मिला है? किसी को नहीं मिला सर, मिलता ही नहीं है। एंड जो डिस्प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, मैं बताता हूं समस्या क्या है। अंग्रेजों के टाइम से ये है Schedule 5 एरिया, आई एम फ्रॉम Schedule 5 एरिया। Schedule 5 एरिया में क्या होता है, आपको परमिशन चाहिए जगह बेचने के लिए, स्वागत करते हैं। 5 एकड़ के ऊपर चाहिए उसके बाद आपको परमिशन मिलता है, आप एक आदिवासी को बेच सकते हो। इसके लिए सर दिस इज ए वेरी गुड इंटरवेंशन विद द गवर्नमेंट, बट क्या होता है हम लोग की जगह का दाम घट जाता है, ट्रांजेक्शन नहीं है। आज सुबह चर्चा हो रही थी गडकरी जी के साथ, आंध्रा में 60 लाख एकड़ मिल रहा है। पता है कोरापुट में भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए हाईवे ने कितने पैसे दिए, 1 एकड़ के लिए 50,000 रुपया, 4 गुना ज्यादा 2 लाख रुपया 1 एकड़ के लिए। वही जगह आंध्रा, क्या कोई जनरल जगह ले लो आप, 1 करोड़ जा रहे 1 एकड़। हम आदिवासी लोग 50,000 का दाम है क्योंकि 100 साल से ट्रांजेक्शन नहीं है, आप ले लो। सरकार अपनी जगह में मोर्टगेज करने के लिए, बैंक मोर्टगेज करने के लिए नहीं आता। मेरी जगह है, आई कांट डेवलप, मोर्टगेज के लिए बैंक नहीं आता। ठीक है आप आदिवासी सुरक्षा के लिए सब किए, लेकिन ये जगह क्यों सरकार ले रही है? हाईवे बनाने के लिए आपको जगह चाहिए, आदिवासी की जगह के ऊपर ले चलो। वापस थोड़ी आनी है, वापस तो मिलने वाला कुछ नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले अपने जो माइनिंग डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन निकाला है न्यूज़पेपर में कि सम माइनिंग जो ब्लॉक्स है दिस इज अवेलेबल फॉर ऑक्शन। पता है उसमें एक मैं देख रहा था क्या है, बालडा करके एक माइनिंग ब्लॉक है, बॉक्साइट माइनिंग ब्लॉक जो पोटांगी में है, उसको ऑक्शन के लिए ये लोग इन्विटेशन कर। पता है बालडा क्या है, हम लोग पूजा करते हैं वो जंगल में, वो पहाड़ में हम लोग पूजा करते हैं। आप ऑक्शन करोगे, किसे पूछे? सर फैक्ट्री हुआ है वे इनवाइट, हम लोग डेवलपमेंट के विरोध नहीं है, फैक्ट्री हुआ है उत्कल एल्युमिनियम, वहां पे एक फैक्ट्री बना है रायगढ़ जिला में, एक डी करल एंड डिमुडी दो जगह है, एक छोटी छोटी जगह है, 100 घर की बस्ती है। दे आर नॉट विलिंग टू टेक दैट लैंड, और उसके आसपास हर जगह फैक्ट्री है। वी फॉट दिस आरडीसी मीटिंग, हर जगह फाइट किए, कुछ भी नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट बात कर रहे हो, नालको हजारों एकड़ लिया अपने आदिवासी बच्चों का, पता है क्या किया? बोले एक नौकरी देंगे करके। 45 साल में वो बंदा नौकरी लिया है, 2 साल में उसका देहात हो गया, ना उसके बच्चों को नौकरी ना कुछ, उसका जमीन सब गया।
सर पोलावरम डैम भी ये भाई साहब लोग सब बोलते चाहिए, पता है वो डैम होगा तो क्या होगा, हम आदिवासी लोग ही मारे जाएंगे, हजारों आदिवासी लोग सबमर्ज हो जाएंगे, ये देश में चल रहा है सर। एंड ये देखोगे आप लोग जितने सब इंटरवेंशन अभी चल रहा है लोग का, ये सरकार पिछले 8 साल से वो कोशिश कर रहे हैं कैसे बाईपास करके आए, अमेंडमेंट्स इन वेरियस एक्ट्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 उसमें लेके आ रहे हैं, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1950 उसमें अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं, ये कुछ नहीं है सर, पैसा को कैसे बाईपास कर सके। एंड जो फॉरेस्ट राइट एक्ट, बड़ी बड़ी बातें करते हो, केंदु पता टेंडू लीज, पता है कितना जीएसटी है उसमें, 18% जीएसटी, वो क्या होता है, ये हम लोग का अधिकार है कि जो टेंडू प्लकर्स है वो जंगल में जाके टेंडू पत्ता उठाते हैं एंड वो बेचते हैं, दे ट्रेड इन दैट, 18% जीएसटी उसमें डाल रहे हो आप, ये तो शुक्र है छत्तीसगढ़ सरकार का 4,000 रुपया दे रहे हैं बस्ता का, बाकी जगह में तो 1,200 रुपये 800 रुपये इस टाइप का रेट चल रहा है। आप अगर कुछ आदिवासी करना है तो पहले उसे कम करो। और एक सर बहुत बड़ी चीज है, अर्बनाइजेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, सर 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स लॉज सेपरेट फॉर पंचायत राज एक्ट एंड नगर पालिका एक्ट टू एडमिनिस्ट्रेट विलेजेस एंड टाउन्स इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज। सर पार्लियामेंट ने पैसा लागू किया है, इसमें बहुत सारे राज्य है जो अभी तक पैसा इंप्लीमेंट नहीं किए, रूल नहीं किए, कुछ कुछ स्टेट्स किए हैं, लेकिन सर एक चीज जो बहुत बड़ी चीज रह गई है वो अर्बन ट्राइबल एरियाज, माइन इज शेड्यूल 5 एरिया शेड्यूल 5 डिस्ट्रिक्ट, म्यूनसिपालिटीज देखोगे तो उसमें ना म्यूनसिपालिटी एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज मेसा 2001 बिल, ये अभी तक एनेक्टेड नहीं है, जो माननीय मंत्री जी है नहीं, मेसा स्टेट है, मैं बोलना चाहता हूं कि आप 3.5 साल हो गया, कोई भी ऐसे ट्राइबल बिल में मैं एब्सेंट हुआ कभी नहीं हो सकता, भले बोलने का मौका नहीं मिले, लेकिन सर मैं बार बार यही बोलते आ रहा हूं कि आप अगर कोई बिल लाना चाहते हो, कोई ट्राइबल बिल लाना चाहते हो, ये लेके आओ कि हम आदिवासी लोग क्या हैं, कैसे जी रहे हैं, क्या समस्या है, आप ले आओगे एक बिल तमिलनाडु का, एक बिल हिमाचल का, ब्रिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव बिल, खत्म कर दो सब कुछ कि जिस जिसको बनना है नहीं करना है, बट दे ट्रिविलाइजिंग द होल थिंग। सर इस पर्टिकुलर बिल में देखोगे ना, वी आर गिविंग हाथी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस, जो एससी में है उनको छोड़ दो, एसटी एससी आर वेरी डिफरेंट,